वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं हूं अभिषेक, एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे के बारे में, मतलब इस फिल्म का बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और बजट के बारे में बताऊंगा। इस फिल्म के बारे में मैं छोटा सा रिव्यू भी शेयर करूंगा और आखिर में इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट भी बताऊंगा। सो वीडियो को पूरा देखना, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों, मुझसे दोस्ती करोगे आज से ठीक 22 साल पहले मतलब 2002 9 अगस्त को रिलीज हुआ था। इनके लीड रोल में थे ऋतिक रोशन, रानी मुखर्जी, करीना कपूर, किरण कुमार, सतीश शाह, स्मिता जयकर, हिमानी शिवपुरी, सचिन खेड़कर और एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल में उदय चोपड़ा और भी बहुत सारे सह कलाकार इस फिल्म में थे। दोस्तों, मुझसे दोस्ती करोगे एक म्यूजिकल रोमांटिक फैमिली ड्रामा मूवी है। प्रोड्यूस किया था यश चोपड़ा ने और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कुणाल कोहली ने। म्यूजिक दिया था राहुल शर्मा ने, जो कि मशहूर म्यूजिशियन शिव कुमार शर्मा जी के बेटे हैं, और गाने लिखे थे आनंद बख्शी जी ने। दोस्तों, फिल्म का बजट था 12 करोड़ और इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे इनकम किया था 1.16 करोड़ और पहले वीकेंड के बाद इस फिल्म का कलेक्शन था 3.56 करोड़ और पहले वीक में इस फिल्म ने कलेक्शन किया था 6.28 करोड़ और इस फिल्म का ओवरऑल नेट इंडिया लाइफ टाइम कलेक्शन था 12.95 करोड़ और बॉक्स ऑफिस पे एक बिलो एवरेज फिल्म साबित हुआ था। और इस फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं, दोस्तों, एक अच्छी पारिवारिक मूवी है जिसमें अच्छे गाने हैं, अच्छे परफॉर्मेंस है, अच्छे सेट्स में शूट किया गया है। तुमने सभी ने बहुत बढ़िया काम किया है। ऋतिक रोशन का काम बढ़िया है और बहुत हैंडसम भी दिखे वो इस फिल्म में, और रानी मुखर्जी ने बहुत ही बढ़िया काम की है, करीना कपूर भी बहुत बढ़िया काम की है इस फिल्म में, और एक्सटेंडेड कैमियो रोल में उदय चोपड़ा ने भी बहुत ही बढ़िया काम किया है। जितने भी सह कलाकार इस फिल्म में थे सभी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, अच्छे गाने हैं। ओवरऑल एक फैमिली एंटरटेनिंग मूवी है। अगर आप लोग रोमांटिक मूवी देखना पसंद करते हो, इसमें बैकड्रॉप होगा, फैमिली बैकड्रॉप होगा, अच्छे सेट होंगे, अच्छे गाने होंगे, तो डेफिनेटली आप लोग इस फिल्म को देख सकते हो। आई होप आपको ये फिल्म पसंद आएगा। और अब दोस्तों, इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट। दोस्तों, इस फिल्म में पहले करीना कपूर के रोल के लिए बिपाशा बसु को अप्रोच किया गया था, लेकिन उनके मना करने के बाद तारा शर्मा के पास भी रोल गया था, लेकिन फाइनली ये रोल करीना कपूर ने निभाया था। दोस्तों, इस फिल्म में ऋतिक रोशन के रोल के लिए पहले सलमान खान को अप्रोच किया गया था, लेकिन कुछ कारणवश वो इसको कर नहीं पाए और फाइनली ऋतिक रोशन को कास्ट किया गया इस फिल्म में। इस फिल्म में उदय चोपड़ा ने एक एक्सटेंडेड कैमियो रोल प्ले किया है, लेकिन इससे पहले इस रोल के लिए सैफ अली खान को अप्रोच किया गया था, उनके मना करने के बाद अक्षय खन्ना के पास भी रोल गया था, लेकिन संभव उन्होंने भी इस रोल को किया नहीं और फाइनली ये रोल उदय चोपड़ा ने निभाया था। तो उस टाइम पे ऋतिक रोशन का खराब फेस चल रहा था, उनकी जो फिल्में थे वो नहीं चल रहा था, मतलब लगातार बैक टू बैक फ्लॉप हो रहा था फिल्में, लेकिन उम्मीद की जा रही थी कि ये जो फिल्म था मुझसे दोस्ती करोगे ये बॉक्स ऑफिस में एक सफल फिल्म साबित होगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन वैल्यू था वो बहुत बढ़िया था, यशराज का फिल्म था, गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे और ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी थे एक साथ में, तो सोचा जा रहा था ये फिल्म डेफिनेटली ऋतिक का कमबैक फिल्म होगा, लेकिन ये हुआ नहीं था। हालांकि ये फिल्म एक आउटराइट फ्लॉप नहीं था, एक बिलो एवरेज फिल्म था, लेकिन जितना एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था उस एक्सपेक्टेशन पर ये फिल्म खड़ा नहीं हो पाया था और एक बिलो एवरेज फिल्म साबित हुआ था। ऋतिक का करियर जब एकदम खत्म ही होने का आया था उस टाइम पे, फिर से उनके जो पापा, उनके डैडी राकेश रोशन ने उनको फिर से कहो ना प्यारे से जो पॉपुलरिटी दिया था और कोई मिल गया बना के फिर से ऋतिक को सुपरस्टार बना दिया था उनके पापा ने, मतलब क्या परफॉर्मेंस था कोई मिल गया में। दोस्तों, कोई मिल गया फिल्म का रिविजिट वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, अगर आप लोग चाहो तो विजिट कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, अगर आप लोग चाहो तो डेफिनेटली उस वीडियो को भी देख सकते हो, मैंने अपलोड किया हुआ है। दोस्तों, ये था कुछ फैक्ट इस फिल्म के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। किसी फिल्म के बारे में अगर जानना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूंगा वीडियो बनाने के लिए। टिल देन दोस्तों, टाटा बाय, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे कूल मैन।